जब तक चंद्र सूर्य है तब तक नाग साम्राज्य के स्थावर मंत्र उतने ही तेजवान और उतने ही तेजस्वी रहेंगे जितने कल तक वेद मंत्र रहे हैं। और तुम्हारा नाम हर धर्म वाला तुम्हारा नाम लेगा और तुम्हारी स्तुति होगी, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन मैं ये बात तुझे इसलिए कह रहा हूँ कि हर धर्म हर वाला साबर मंत्र करेगा और उसके लिए तेरी तपस्या वो खींचते चला लेकर चला जाएगा। इसलिए तुझे जीवन भर जब तक यहाँ रहेगा तपस्यारत रहना होगा। इसलिए मैंने यही इच्छाएं व्यक्त कर दी है कि तुझे तपस्यारत रखने के लिए और तेरी शक्ति को उन सभी को बांटने के लिए मैंने मेरी इच्छा व्यक्त की और कहता हूँ कि तेरी तपस्या सभी को प्राप्त हो। और गोरखनाथ जी ने कहा मैं इसके लिए तैयार हूँ। आज भी गोरखनाथ नवनाथों में जहाँ भी उनका नाम लिया जाता है कहते हैं कि वो प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं। हम एक बार नाथ संप्रदाय के उस महान शिष्य को नमन करते हुए कहेंगे बोलो गोरखनाथ भगवान की, बोलो परम पूज्य सद्गुरु देव भगवान की। आज मैं जिस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कहना वो प्रयोग एक ऐसा प्रयोग है जब हम हर तरफ से हताश हो जाते हैं कि हमारा कोई कार्य नहीं होता, हमारा मन हमारे काबू में नहीं रहता, हम विचलित हो जाते हैं, हम चाहते एक हैं और होता एक है। ऐसे समय में अपने को अच्छी तरह मार्ग बताने वाला, अपने पर बुराइयां आने पर उसको स्तंभित करने वाला, उसको रोक देने वाला और अच्छे मार्ग को ले जाने वाले प्रयोग को ब्रह्मास्त्र प्रयोग कहा गया। ब्रह्मास्त्र आध्यात्मिक चेतना प्रदान करने वाला है, नारायणास्त्र भौतिकता प्रदान करने वाला है और पाशुपतास्त्र तुम्हारे संसार के सारे कर्मों को तोड़ देकर पाप पुण्यों से रहित कर देकर तुम्हारे पाप पुण्यों को सबको खत्म कर देकर तुम्हें आत्मा से लेकर परमात्मा में विलीन करने की क्रिया पाशुपतास्त्र करता है। पाशुपत का अर्थ होता है तुम पशु बनकर इस संसार पे आए, चाहे वो दो पांव के हो या चार पांव के हो, और तुम पाशुबद्ध हो गए। पाशुबद्ध का होना यम पाश में बद्ध गए, तुम जन्म लिए हो तो मर जाओगे जरूर, यह पाश है। और इस पाश को के कारण तुम्हें इस संसार में आना पड़ा, चाहे मनुष्य रूप धारण कर, चाहे वृक्ष रूप, चाहे पशु रूप, कोई भी धारण करके आप आए। तब तुम्हारे ऊपर ये जो पाश यम का पाश तुम्हारे ऊपर गिरेगा और तुम इसके इसकी बाधा अनुभव करोगे। इस बाधा से छूट जाने के लिए पाशुपतास्त्र का प्रयोग कहा गया है कि तुम अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करने की क्रिया, सारे रोगों से निवारण होने की क्रिया, सारे हमारे जितने भी शत्रु भाव हैं, जितने भी दूसरों को मारने तोड़ने की भावनाएं हैं, इन सारी चीजों को दूर करने की क्रिया। ये क्यों कहते हैं देवता कि तुम किसी को भी मारने की बात कहो तो तुम्हें फिर उस रोम चुकाने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। तुम किसी के ऊपर कोई श्रद्धा या करुणा दया बताते हो तो फिर तुम्हें उस कारण चुकाने के लिए फिर तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार कितनी बार जन्म लोगे, कितनी बार इस इन ऋणों में आप इसी तरह बंधे रहोगे। ऋण बहुत है, पितृण है, ऋषि ऋण है, देव ऋण है, गुरु ऋण है और इससे सबसे बड़ा है आत्मा, आपकी आत्मा करुण। आपके आत्मा करुण आत्मा भटकती है, जब तक परमात्मा में नहीं मिलती तब तक उसे भटकना पड़ता है और वह निरंतर विविध योनियों में जाकर अपने उस पाशों के बंधनों से बंधी हुई होती है। इससे छुटकारा पाने के लिए पहला रास्ता है ब्रह्मास्त्र, वो आपको सही क्रम में ले जाता है, सही मार्ग में ले जाता है और कहता है कि इस मार्ग में चल तेरे भगवान शिव मिल जाएंगे, तेरी आत्मा परमात्मा में मिलेगी, तेरी कितने भी दुख दर्द हैं उन सभी को मिटाने की क्रिया मैं बताता हूँ इस ब्रह्मास्त्र से। तो कोई भी इच्छा कर ले उस इच्छा को पूर्ण करते हुए ले जाऊंगा, उस इच्छा में कोई अन्याय नहीं करवाने दूंगा, कोई अन्याय से तुझे कमाने की बात नहीं करवाऊंगा, न्याय से तुझे मार्ग पर ले जाऊंगा, यह ब्रह्मास्त्र। लेकिन नारायणास्त्र यह है कि तुम्हारे को इस संसार में जो भी इच्छा करोगे वो भौतिकता के लिए, मेरे बच्चे हो, मेरी बीवी हो, मेरी बीवी सुंदर हो, मेरे को पैसा मिले, नौकरी मिले, ये सारे नारायणास्त्र प्रयोग करता है। और ब्रह्मास्त्र प्रयोग तुम्हें अच्छे मार्ग में ले जाते हुए तुम्हें इस बात को बतलाता है कि तुम्हें अन्याय का जीवन नहीं देता, यह ब्रह्मास्त्र है और लेकिन उतना ही सुखी बनाता है। आपने देखा होगा जितने भी ऋषि हैं, जितने भी श्रेष्ठ कर्म क्रिया करने वाले हैं वो अपने आप में आनंद है और यही आनंद बात कर आनंद प्राप्त करने के लिए ही उनके नाम के पीछे आनंद लगाया जाता है। विश्वानंद विशुद्धानंद जी हो, निशेषानंद जी हो, विवेकानंद जी हो, ये आनंद क्या है? आनंद उन सुख भोगों से भी अलग एक क्रिया है और इस आनंद को प्राप्त करने के लिए आनंद कारण में जाने के लिए जो क्रिया की जाती है वो ब्रह्मास्त्र प्रयोग है। उस ब्रह्मास्त्र प्रयोग को प्राप्त करने वाला आनंद की ओर बढ़ता है, सुख और दुखों से हटकर आनंद की ओर बढ़ने की क्रिया को ब्रह्मास्त्र प्रयोग कहा गया है।
हम गुरु के प्रति, देवताओं के प्रति ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अध्यात्म के ब्रह्मांड के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो ब्रह्मास्त्र प्रयोग कहा गया। ब्रह्मास्त्र पहले वो अपने ऊपर प्रयोग होता है और अपने में की बुराइयां निकाल देने की क्रिया को ब्रह्मास्त्र प्रयोग कहा गया। अपने में जो बुराइयां हैं, हम अपने ही पैरों पर पत्थर डाल लेकर हम बाद में कहते हैं कि मेरे से गलती हुई और हम पाप करेंगे। हम ये बात करते हुए जाते हैं, हमारे हर कर्म में ऐसा कोई ना कोई दोष तो नजर ही आता है और वो दोष नजरने के बाद हम अपने आप को पछताते हैं। आप कहते हैं कि मेरे को ऐसा नहीं करना था लेकिन मैंने ऐसा किया, नहीं तो और जिद्दी होते हैं तो जानबूझकर मैं करने के लिए तैयार हूँ, इसके चाहे कुछ भी परिणाम हो मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो भोग की बात आती है तो रोते हैं, ऐसा नहीं करना था मैंने किया, आज ये भोग रहा हूँ। ब्रह्मास्त्र तुम्हें इन सभी चीज़ों से दूर करता है, तुम्हें इन सभी चीज़ों से बाहर करता है। आपको पता है मैंने स्वामी समर्थ रामदास के बारे में कहा था, स्वामी समर्थ रामदास के पास कल्याण स्वामी नाम के शिष्य थे। वो केवल सेवा करते थे, उनके पास कोई मंत्र की साधना तंत्र की साधना कुछ भी नहीं थी। सेवा के माध्यम से वो 700 सीढ़ियों से नीचे से पानी लाकर स्वामी समर्थ रामदास के लिए स्नान और उनके पकाने की क्रिया, उनके सबके लिए पानी वगैरह जल लाते थे, उनके कपड़े धोते थे, उनको सोने के लिए सेवा करते, उनके पांव दबाते थे, यही उनकी क्रिया थी। लेकिन स्वामी समर्थ रामदास के पास ऐसे कोई 14 ऐसे भी शिष्य थे जो उनके दासबोध ग्रंथ को उनके कहने पर लिखते थे, वेदों के बारे में जानकारी देते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे, ज्ञान देने की क्रिया करते थे, ऐसे शिष्य थे। और वो जो ज्ञानवान शिष्य थे कभी भी इस कल्याण स्वामी को देख करके कहते थे साला बैल है, सब बैलों के पानी उठा के लाता है, तो ज्ञान नहीं पूछता, ज्ञान नहीं पूछता। और ज्ञान नहीं पूछने के कारण इसकी स्थिति है, ऐसी जिंदगी जिएगा तो ठीक, इसी तरह धोने की प्रक्रिया करेगा, गधा है ऐसा कहते हैं। लेकिन गुरु को शिष्य के प्रति कभी भी एक सेवा करने वालों के प्रति उनकी तृप्ति के प्रति गुरु को कभी चिंतन होता है। और स्वामी समर्थ रामदास उसके चिंतन करते थे, ये सब लोग ऐसा कह रहे हैं। एक दिन स्वामी समर्थ रामदास ने एक चमत्कार किया, वे पहाड़ पर चढ़ गए थे, जा रहे थे, उनके ऊपर छाटी थी बैठे हुए, उनका ऊपर डालने वाला एक पंचा, एक कोई ऐसा ही गमछा उनके ऊपर था, जोर से हवाई और गमछा उड़ गया। उड़ गया तो सारे ज्ञानवान शिष्य बैठे हुए थे, अरे मेरा गमछा कहाँ, उन्होंने तो ज्ञानवान शिष्य ने कहा गुरु जी गमछा है गया, दूसरा ला के दे देंगे, उसमें क्या है। लेकिन स्वामी समर्थ रामदास ने कहा अरे वो मेरा सिद्ध गमछा है, उसमें रोज मैं मेरे राम को भिक्षा ले जाता हूँ, फूल ले जाता हूँ, मेरे राम और इनके लिए सेवा करने के लिए मेरे पास दूसरा कुछ भी नहीं है, झोली मेरे काम आती है और ये गमछा मेरे राम को पहुँचने के लिए, स्नान के बाद फूल ले जाने के लिए, फल ले जाने के लिए काम आता है, ऐसा मेरा गमछा चलेगा, जो गमछा सिद्ध था। बोले करने लगे गुरु जी और एक बार सिद्ध कर लेना, वो गया तो क्या गया, पहाड़ पे से नीचे कौन जाके लाएगा। ये बात जैसे ही उन्होंने कहा, ये बात कह रहे थे कल्याण स्वामी आए, अरे कल्याण मेरा गमछा गिर गया, कहाँ गिर गया गुरु जी, वो ये पहाड़ के नीचे गिर गया, वो एकदम कूद गया, कूद गया और बाद में आता है तो गमछे को हाथ में उड़ाकर ला रहा है, उड़ते हुए आ रहा है। सब ज्ञानवान शिष्य बैठे हुए थे, सर खुजाने लगे, बोली ये क्या चीज, ये तो कल के दिन तक बुद्धू था, केवल पानी उठाने वाला, केवल इसके वाले हमारे सामने उड़ के आता है, हम इतने दिन गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, अब तक ये उड़ने का ज्ञान नहीं सिखाया हमारे गुरु जी ने, कोई ऐसी चाल चले, गुरु जी बहुत स्वार्थी हो गए, अपने शिष्य को जो सेवा करने वाले को ऐसी चीज देते हैं और हमारे को नहीं देते। वो गमछा उठा के लाया, स्वामी जी के चरणों में रखा और नमस्कार किया, स्वामी जी ने गमछा रख लिया और इन ज्ञानवान शिष्यों की तरफ देखने लगे, ज्ञानवान शिष्य प्रश्न चिन्ह हो गए और उन्होंने कहा कि हमारे को ने तो स्वामी धोखा दिया। सब लोग सुबह आते सभी लोगों ने कहा गुरु जी एक बात कहिए। बोलो क्या बात है। क्या बात है, आप कल देखा आपने, हम सब लोग कह रहे थे कि वो गमछा लाने के लिए तो कल्याण स्वामी नीचे कूदा, उड़ते हुए गमछे को लेके आ गया, उसमें सिद्धि कहाँ से आई। बोले तुम उनसे ही पूछो, मैं कभी उसके साथ बात भी नहीं करता, वो तो सेवा करता है मेरी, मैं कभी उसके साथ कोई ज्ञानवान कोई मंत्र कोई तंत्र कुछ भी नहीं दिया। उसके पास गए, अरे ये क्या रहस्य है बता दे तू, ये रोज कैसा उड़ के आया, तो रात में तेरे पास ये सिद्धि कहाँ से है। बोले आप लोग सब लोगों में 14 लोग बैठे हुए हैं, कोई 700 सीढ़ियों से नीचे से एक घड़ा पानी ला सकता है क्या। बोलो सब लोग मुंह तक गए, हम नहीं ला सकते, हमारे में नहीं है, तो मैं ला सकता हूँ, कैसे ला सकता हूँ, अरे मैं और हनुमान जी दोनों मिलके लाते हैं। हनुमान जी ये नई सिद्धि बोल रहा है, अभी तक तो बोल रहा था स्वामी समर्थ रामदास ही मेरे है, हनुमान जी तेरे साथ आ गए, अरे बोलने के लिए कुछ शर्म आ जाए, तेरे को कुछ बात नहीं आती, हनुमान जी कितना मंत्र बोलने के बाद सिद्ध होते हैं,
मनमानी के साथ आता है। अब मैं आपको क्या बताऊं, आप अगर नहीं समझे तो मैं क्या करूं। कहां आते हैं हनुमान जी? हम दोनों मिलकर ही पानी ऊपर लाते हैं। आने के बाद क्या करते हैं? कपड़े धोते हैं तो हनुमान जी पानी डालते हैं और मैं कपड़े धोते हैं। कपड़े हनुमान जी कपड़े धोते हैं? हाँ दास स्वामी, रामदास स्वामी कपड़े धोते हैं। कपड़े धोते हैं? ये पूरे बातें झूठ बोल रहा है। उसके बाद क्या करते हैं? हम दोनों मिलकर खाना पकाते हैं, स्वामी जी खाने खाने के बाद हम खाना खाते हैं। स्वामी जी के पास गया, प्रभु इतना भी झूठ? हम ये कहता है कि वो हनुमान जी के साथ काम करता है, हनुमान जी उसके साथ रहते हैं, हम हनुमान जी को आज तक देखे भी नहीं। हम इतने विद्वान, इतने ज्ञानी, वेद मंत्र बोलने वाले, दास बोध लिखने वाले, हमने हनुमान जी को आज तक देखा नहीं। समर्थ रामदास जी ने कहा, मैं क्या करूं यार, तुम ज्ञानवान है, तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हो, राम को प्रसन्न कर सकते हो, कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हो। पाप बेचारा वो सेवा करने वाला जिसको कुछ नहीं आता, अब इसके लिए मैं क्या करूं? उसके लिए तो गुरु जी को ही कुछ करना पड़ता है। आपको आपने उसके लिए क्या हमारे लिए कुछ नहीं किया? आप ज्ञानवान हैं, दास स्वामी ने कहा, आप ज्ञानवान हैं, आपके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपका ज्ञान उपयोग करके आप सारी चीजों को, आपके सारे मंत्र याद है, आपको सारे विधान आपको मालूम है, आप आज नहीं तो कल किसी भी तरह जिस ज्ञान से देवता को प्रत्यक्ष सिद्धि कर सकते हो। उनको लगा कि दास स्वामी आज हमारे को बहुत इसी तरह मार रहे हैं कि हमारा किस तरह नीचा दिखा रहे हैं, कि कल्याण स्वामी की सेवा से बढ़कर हमारा ज्ञान नहीं है। तब कल्याण स्वामी को पूछा कि प्रभु सच बोलो कि उसके पास ये विद्या कहां से आई? तब स्वामी समर्थ रामदास कहते हैं, अरे वो एक दिन सेवा कर रहा था, मेरे आंखों में आंसू आए, मैं कम से कम एक लोटा लेकर मैं 700 सीढ़ियां नहीं चढ़ सका। वो रोज 2-3 घड़े रोज पानी, सुबह से 700 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर मेरे लिए पानी के लिए, पीने के पानी के लिए अलग लाता है, पकाने के लिए अलग लाता है, और मेरे कपड़े धोने के लिए पानी लाता है नीचे से। तो उसके कष्ट को देखकर मेरी आंखों में आंसू आए और मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि तेरी शक्ति उसको प्रदान कर, ऐसा मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की। तो हनुमान जी ने भी उसके उस शक्ति, उसके उस सेवा को देखकर उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। और हनुमान जी रोज अब ऊपर की सीढ़ी पर खड़े होते हैं और उसको उंगली देते हैं, उंगली पकड़ता है सीधा ऊपर आ जाता है। कपड़े धोने के लिए खड़ा रहता है तो घड़ा पकड़ते हैं, पानी नीचे गिरता है, कपड़े धो देते हैं। अब ये उसके पास तो बोले उसके उसको हनुमान जी सिद्ध कैसे हुए प्रभु, ये तो बताओ। ये तो उन्होंने बोला, मैं कुछ नहीं किया यार, एक दिन बैठा हुआ था, उसको सोच रहा था ऐसा क्या करना चाहिए कि बेचारा इतना रोज कष्ट होता है। तो एक दिन उसने, मैंने उसको यहाँ आया था तो उसको ब्रह्मास्त्र का मंत्र देते हुए उसको उपदेश दे दिया कि तू आज से जो भी इच्छा करेगा, आज तेरी इच्छा, मेरा जन्म देने की, मैं तेरी इच्छा पूर्ण करता हूँ। और उनकी इच्छा पूर्ण हुई, हनुमान जी उनके साथ रहे और उनको जीवन भर भी हनुमान जी का दर्शन नहीं हुआ। फिर इन ज्ञानवान शिष्यों ने कहा, प्रभु फिर हमें कब दे रहे हैं आपको ब्रह्मास्त्र प्रयोग, आप हमारे को कब दे रहे हैं? बोले, आप सब लोग मिलके एक बार 3-3 घड़े उठाकर 700 सीढ़ियां चढ़ के आ जाओ, जरूर आपको ज्ञान दीक्षा दी जाएगी। और उन लोगों को पता चला कि ये कार्य हमारे से होने वाला नहीं है, महाराज ने हमें इसको देने से इनकार कर दिया। उस दिन कल्याण स्वामी बाद में स्वामी समर्थ रामदास के श्रेष्ठ शिष्य हुए, उनको ही ये नाथ साम्राज्य। क्योंकि स्वामी समर्थ रामदास भी वेदों के नहीं, वो मराठी के साबर मंत्र के ही ज्ञाता थे, जिन्होंने दासबोध लिखा, जिसे ज्ञानेश्वरी लिखी गई। और मुक्ता सोपान और जो निवृत्तिनाथ आदि कहते हैं, ये सब नाथ साम्प्रदाय के लोग थे, इन्होंने मराठी में साबर मंत्रों को लिखा है और इन साबर मंत्रों से ये सिद्धि प्राप्त की है। तो ऐसे लोग आज भी साबर विधान से ब्रह्मास्त्र प्रयोग उसमें भी लिखा हुआ है। मैं इस बात को ही आपको समझा रहा था कि आज परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को हमने नाथ सांप्रदाय में स्थापना की है 3 दिन से, और उनको साबर मंत्र के ज्ञाता, साबर मंत्र के सिद्ध स्वामी निखिलेश्वर नाथ के रूप में आज पूजा की है प्रभु जी की। और वो नाथ सांप्रदाय से मैं आज कहता हूं कि आप जो भी आपने सेवा की है, जो भी आपने गुरु मंत्र जप किया है, आज तक आप गुरु से जुड़ के रहे, आपकी इच्छा बोल लो। आज मैं ब्रह्मास्त्र का मंत्र आपको दे रहा हूं, 5 माला जप करना है और आप गुरु से आपकी इच्छा देना, मैं शक्तिपात दीक्षा दूंगा और आपकी जो भी इच्छा है पूर्ण करने की शक्ति आप गुरु से मांगूंगा। उसी तरह प्रार्थना भी करूंगा कि आपको वो शक्ति दे कि आपके पास भी, आपके साथ भी एक देवता, ऐसे देवता हो जो आपका हाथ लेकर चले और आपकी इच्छाएं पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए इस ब्रह्मास्त्र प्रयोग को आपको दे रहा हूं, ब्रह्मास्त्र का मंत्र देता हूं। सभी लोग खड़े होकर, अगर हो सकता है तो एक पांव पर खड़े हो जाए, ब्रह्मास्त्र मंत्र दे रहा हूं, हो सके तो, नहीं तो 2 पांव पर खड़े हो जाए। जैसे ब्रह्मदंड कहा गया है उसी तरह आज या तो पलाश की डाली या तो फिर काले जामुन की डाली आपके हाथ में लेकर 5 मिनट में आ जाओ, मैं आपको इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग समझाता हूँ। जो भी है 5 मिनट में आ जाओ।
नहीं तो झाड़ पूरा उखाड़ देंगे। नहीं भाई, सिर्फ डाली तोड़ के ला लेना। दीक्षा देने के बाद यहाँ से जाकर 11-11 बार कल के जो भी मंत्र बोले हैं उसको उच्चारण करना है और उस नारियल पर घी 11 बार डालकर उसका स्वाहाकार करना है। स्वाहाकार करके यहाँ आने के बाद आगे क्या करना है बताऊंगा। पहले शक्तिपाद दीक्षा होगी।